तो मेरे पीछे की तरफ है हावड़ा ब्रिज, तो देख लीजिए एक भी सपोर्ट नहीं है ब्रिज में। तो दोस्तों देख लीजिए हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का तो मैं आ चुका हूँ ब्रिज की तरफ। अभी प्लेटफॉर्म से उस तरफ से उस गेट से निकले, निकलते ही हमको हावड़ा ब्रिज दिख चुका है। तो ये हावड़ा ब्रिज चारों तरफ बस वगैरह है रोड पे, देखते हैं कहाँ से हम इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं और जो इसका रहस्य वगैरह वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये हावड़ा ब्रिज, फिलहाल हम आ चुके हैं और ये बस वगैरह है। तो कुछ इस तरीके से ये ब्रिज है बहुत तगड़ा, तो देखते हैं किस तरीके का ब्रिज है। वैसे तो हमने पहले कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं कोलकाता, तो ये जगह देखना जरूरी है। ये देख लीजिए यहाँ से बस वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए ये हावड़ा ब्रिज, बताया जाता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लगता, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ सपोर्ट दिख तो नहीं रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग है, तो ये दोस्तों इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रोड की वजह से मैं अच्छी तरीके से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। तो देख लीजिए ये ब्रिज काफ़ी बड़ी ब्रिज है, यहाँ चारों तरफ रोड वगैरह है। तो हम निकलते ही रेलवे स्टेशन से हमको पहला है जो दिखाए वो है हावड़ा ब्रिज। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का ब्रिज है, फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं और इसका रेस से बताते हैं। कुछ नहीं है, देखिए एक भी सपोर्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है। हम जाने वाले हैं यहाँ से जू, तो हमें यहीं से जो बस वगैरह है वो मिलेगा। देखिए एक भी सपोर्ट नहीं, तो देख लीजिए एक भी सपोर्ट नहीं है ब्रिज में बताया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ एक के बाद जो बस है वो आता जा रहा है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का ब्रिज है, तो हम आगे चलते हैं, आगे जाके देखेंगे किस तरीके का ब्रिज है और देखेंगे जो बताते हैं नट बोल्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हावड़ा ब्रिज का, तो देख लीजिए हमको सपोर्ट वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा है, पता चलेगा हम गाड़ी से अभी ट्रेवल करेंगे जब देखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए नाइट व्यू हावड़ा ब्रिज का, फिलहाल मैं आ चुका हूँ नाइट में आप लोगों को हावड़ा ब्रिज का व्यू दिखाने के लिए। अभी ज्यादा रात नहीं हुई है इसी कारण से ब्रिज थोड़ा हल्का लाइट चमक रहा है, तो चलिए
आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ है हावड़ा ब्रिज, काफी फेमस, तो आप कुछ ही देख सकते हो, ब्रिज देख के काफी खुश हो रहा है। और मेरे आगे की तरफ है रेलवे स्टेशन, दिखा दिया आप लोगों को हावड़ा ब्रिज जू, कलकत्ता भी दिखा दिया पूरी अच्छी तरीके से, बस में लिया था शॉट आप लोगों के लिए। तो चलिए दिखाता हूँ और स्टेशन भी, और भी काफी जगह है हमारे चैनल पर, सब कुछ दिखाऊंगा। अगर चैनल पर नए चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक। तो दोस्तों देख लीजिए हावड़ा ब्रिज, नाइट टाइम पे काफी बेस्ट लग रहा है, लाइटिंग हो चुकी है फिलहाल कुछ ही समय में, तो लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। चल दिखाते हम आके बैठ चुके हैं, थोड़ी रात हो चुकी है क्योंकि ज्यादा थक जाए चू गए थे। और ये देख लीजिए हावड़ा ब्रिज में पीछे की तरफ काफी बेस्ट लग रहा है, धूप मस्त लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लाइट हो चुकी है, जैसे कुछ शिप वगैरह बोट वगैरह आता है तो रेड और ग्रीन लाइट से काम चलता है उसी तरीके से। ये देखिए फिलहाल मैं आ चुका हूँ हुगली, और हुगली नदी के किनारे बना हुआ एक ब्रिज जिसका नाम है हुगली ब्रिज। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, वहाँ रेल भी जा रहा है, तो ये है हुगली ब्रिज और ये है गंगा नदी, और बीच में कुछ बना हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ कीचड़ के मारे। देखिए कुछ इस तरीके, काफ़ी बेस्ट लग रहा है ब्रिज, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये जा रहा है लोकल ट्रेन, कितनी आराम आराम सुनो। और उस तरफ ब्रिज है, तो दोस्तों आपको दिखा दिया हुगली ब्रिज, तो देखिए वाह क्या ब्रिज है बनाया भी किस तरीके से इंजीनियरों ने। पीछे की तरफ है हुगली ब्रिज जो कि हुगली जिले जो कि हावड़ा के पास ही है थोड़ी दूर, तो ये ब्रिज बनाया हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो और इस पीछे की तरफ है गंगा नदी, गंगा नदी काफी गंदगी तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में कुछ बनाया हुआ है समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए हुगली ब्रिज आपको दिखा दिया, हावड़ा ब्रिज और हुगली ब्रिज ये दोनों ही फेमस है यहाँ पे, तो चलिए आगे चलते हैं, और भी आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है।